ताजनगरी आगरा में 19 से 29 सितंबर के मध्य शावक संस्कार शिक्षण शिविर लगने जा रहा है। 10 लक्षण पर आयोजित शिविर की व्यवस्थाओं को लेकर एमडी जैन इंटर कॉलेज में आगरा की विभिन्न शैलियों और मंदिर कमेटियों की बैठक 5 सितंबर को आयोजित की गई। निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज ससंग के सानिध्य में 19 से 29 सितंबर के बीच ताजनगरी आगरा में लगने जा रहे श्रावक संस्कार शिक्षण शिविर की तैयारियों और व्यवस्थाओं को लेकर 5 सितंबर को एमडी जैन इंटर कॉलेज के हॉल में विभिन्न शैलियों मंदिर कमेटियों के सहयोग हेतु एक आवश्यक बैठक हुई और शिविर की तैयारियों की रूपरेखा को लेकर चर्चा की गई। बैठक की शुरुआत मंगलाचरण के साथ हुई, जिसके बाद श्री मनोज जैन ने बैठक को गति प्रदान की। श्री दिगंबर जैन धर्म प्रभावना समिति के अध्यक्ष श्री प्रदीप जैन पीएनसी ने आगामी कार्यक्रम की योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया। 19 सितंबर से और 29 सितंबर तक बहुत बड़ा वृद्ध श्रावक संस्कार शिविर लगने जा रहा है। आगरा को यह सौभाग्य इस बार प्राप्त हुआ है, क्योंकि मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महाराज का चातुर्मास आगरा में चल रहा है। प्रतिवर्ष यह श्रावक संस्कार शिविर जहाँ पर भी चातुर्मास होता है गुरुदेव का, वहाँ पर आयोजित किया जाता है। लेकिन चूँकि आगरा एक बहुत बड़ा जगह है और यहाँ के लिए पूरे हिंदुस्तान के लोग आने के लिए तैयार हैं, और हर बार 2000 और के करीब होती थी संख्या इस श्रावक संस्कार शिविर में, लेकिन इस बार संभावित है कि 3000 व्यक्ति श्रावक संस्कार शिविर में आएंगे। उनकी व्यवस्थाओं के संबंध में आज एक बहुत बड़ी मीटिंग एमडी जैन कॉलेज के परिसर में आयोजित की गई, और इस मीटिंग में सभी को कार्य वितरण किए गए हैं, सबको जिम्मेदारियां दी गई हैं। मुख्य संयोजक श्री मनोज जैन बाकड़ीवाल और अर्थ मंत्री श्री निर्मल मोठिया ने बताया कि इस शिविर में लगभग 4000 शिविरार्थी सहभागिता करने वाले हैं। ये वाकई ऐतिहासिक शिविर होगा। इस समय पूरे भारत से लगभग 3 से 3500 लोग इस शिविर में आने की संभावना है। अभी तक जो नाम प्राप्त हुए हैं 12 से 13 राज्यों से लोग आए हैं, लोग आ रहे हैं, जिसमें 2000 किलोमीटर दूर से लोग यहां पर आने वाले हैं। तो उन सबकी व्यवस्था यहां पर करनी है, गुरुकुल की तरह वो यहां रहेंगे, तो उन सबके आवास की, शुद्ध भोजन की, ध्यान की, पूजन की, जिज्ञासा समाधान की सारी व्यवस्थाएँ हमें यहाँ पर करनी है। तो ये हमने बांट दिया है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं हमारे आगरे में। जितने भी जैन समाज है, हर समाज के व्यक्ति ने अलग अलग जिम्मेदारी ली है। इसमें व्यक्ति ने नहीं लिया है, जैसे कुछ सेक्टर 7-4 ने लिया है, कुछ पश्चिमपुरी ने, कुछ कमला नगर ने लिया है, कुछ जयपुर हाउस ने, कुछ छिपी टोले ने, सभी मोहल्लों ने अलग अलग, मोती कटरे ने, सब ने व्यवस्था ली है, और वो सब मिलकर इस कार्य को करेंगे। हमें उम्मीद है ये भी एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा, जो कि शायद आगरे में ऐतिहासिक होगा। अब तक जितने भी संस्कार शिविर हुए अच्छे हुए हैं, बहुत अच्छे, बहुत, क्योंकि सुधा सागर जी की तो अलग ही बात है कि उनका हर कार्यक्रम लाजवाबी होता है। तो उसमें हम आगरा वाले भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम अच्छे से अच्छा जब संस्कार शिविर करें। इसमें IAS डॉक्टर, बड़े बड़े अफसर उस तरह से रहेंगे जैसे ब्रह्मचारी मुनि रहते हैं। मुनियों की चर्या जो होती है खाने की, पीने की, रहने की, सोने की, अधिकतर बहुत 100-150 लोग 10 लक्षणी व्रत करेंगे, 200-300 लोग 5 दिन का करेंगे, 1 दिन का करेंगे, 2 दिन का करेंगे, बहुत अच्छी तरह इसका धर्म पालन करेंगे। निर्यापक मुनि पुंगव श्री के सानिध्य में लगने वाले इस शिविर के इतिहास के बारे में श्री महावीर भैया जी ने बताते हुए शिविर के उद्देश्य को स्पष्ट किया। ये 10 लक्षण महापर्व है, और जो श्रावक संस्कार शिविर पूज्य सुधा सागर जी महाराज की देन है, लगभग 93 से महाराज श्री ने ये प्रारंभ किया था ललितपुर चतुर्मास में। पहले में लगभग शिविरार्थी 118 शिविरार्थी थे, महाराज श्री ने अचानक 10 लक्षण के एक दिन पहले ये भाव हुआ कि अपन गुरुकुल पद्धति से 10 दिन सब मतलब मोबाइल, लैपटॉप, सब दुनियादारी से दूर एक एकांत में धर्म ध्यान पूर्वक 10 दिन गुजारें, और केवल पूजा पाठ, सामायिक और ये सब में रत रहें। और ऐसा करके महाराज श्री ने ये एक दुनिया को और एक भारत को, जैन समाज को एक बहुत बड़ी गुरुकुल पद्धति से जैसे रहा जाता है, वैसे 10 दिन रहने के लिए गुरुकुल पद्धति से एक ये बनाया महाराज श्री ने 93 में।
गौरतलब है कि इस शिविर में लगभग 5000 शिविरार्थियों द्वारा भाग लेने की उम्मीद है, जिसके लिए कमेटी द्वारा तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो चुकी हैं। समिति द्वारा इन सभी शिविरार्थियों सहित अतिथियों के भोजन, आवास, मेडिकल आदि व्यवस्थाओं की जिम्मेदारियाँ अलग अलग शैलियों को दी गयी है। सी न्यूज के लिए आयुषी गौड़ की रिपोर्ट।